मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 7। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट्स निकालना है, ठीक है? बट कैसे निकालना है, उसका नियरेस्ट 100 या 10 या 1000 फाइंड आउट करते हुए निकालना है, ओके? फर्स्ट क्वेश्चन है 45 मल्टीप्लाई बाय 32, ठीक है? लेट्स सी सॉल्यूशन। 45 इज राउंडेड ऑफ टू 50 नियरेस्ट टेंस। 45 का नियरेस्ट टेंस क्या होगा? 50। सो हमने 50 राउंड ऑफ किया एंड देन 32 इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस 30, और 32 के लिए राउंड ऑफ क्या करेंगे? नियरेस्ट टेंस 30। नाउ 45 के लिए हमने क्या नियरेस्ट टेंस फाइंड आउट किया है, राउंड ऑफ किया है 50 एंड 32 के लिए 30। अब हम जो नियरेस्ट टेंस से उनके मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो 50 × 30 इक्वल्स टू 1500। दस द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज 1500, ठीक है? तो उनका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट क्या निकलेगा? 1500। सेकेंड क्वेश्चन इज 645 मल्टीप्लाई बाय 5। सॉल्यूशन, 645 इज राउंडेड ऑफ टू 600। अब 645 किसके नियरेस्ट है? टेंस के नियरेस्ट तो होगा नहीं, किसके होगा? 100 के नियरेस्ट होगा, ठीक है? तो इसके लिए राउंड ऑफ हम नियरेस्ट 100 क्या करेंगे? 600। नाउ 645 का नियरेस्ट 100 क्या है? 600 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 के लिए नियरेस्ट 100 की जरूरत नहीं है। सो 600 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 3000। दस द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज 3000। क्वेश्चन थर्ड इज 524 मल्टीप्लाई बाय 62। सॉल्यूशन, 524 इज राउंडेड ऑफ टू 500, नियरेस्ट 100 है ये, ठीक है? एंड 62 इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस 60। सो 50 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या आएगा? 30,000। 50 का मल्टीप्लाई हम 60 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 30,000। दस द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 169 मल्टीप्लाई बाय 53। 169 इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100 200 एंड 53 इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस इज 50। सो 200 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल्स टू 10,000। दस द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज 10,000। आपको यहाँ साइड में मल्टीप्लीकेशन भी करना है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन 81 मल्टीप्लाई बाय 67। 81 इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 इज 80 एंड 67 इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 इज 70। सो 80 मल्टीप्लाई बाय 70 इक्वल्स टू 5600। दस द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज 5600। नेक्स्ट इज 786 मल्टीप्लाई बाय 6। 786 इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100 में होगा, क्या होगा? 800। तो 6 के लिए हमें ज़रूरत नहीं है निकालने की। सो 800 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 4800। दस द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज 4800। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 103 मल्टीप्लाई बाय 23। 103 इज राउंडेड ऑफ टू 100। 103 का नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा? 100। एंड 23 इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस 20। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स टू 2000। दस द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन 528 मल्टीप्लाई बाय 69। सॉल्यूशन, 528 इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100। 528 के लिए नियरेस्ट 100 क्या निकलेगा? 500। एंड 69 इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। 69 के लिए नियरेस्ट टेंस क्या होगा? 70। सो 500 मल्टीप्लाई बाय 70 इक्वल्स टू 35,000। आपको साइड में मल्टीप्लीकेशन भी करना है हर एक सॉल्यूशन में, ठीक है? दस द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज 35,000। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 35,000। डियर स्टूडेंट्स, राइट दिस फुल एक्सरसाइज इन योर मैथ्स फेयर कॉपी इन नीट एंड क्लीन वे। Thank you. Have a good day.